जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज चौकी बेलन बरौदा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे रोड के लिए बेलन नदी में बड़ा पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन पुल पर दो दिन आवागमन हुआ, पुल टूट गया। ग्राम पंचायत दिघुली के पूर्व प्रधान राजेश मिश्रा के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि DBL कंपनी वाले उत्तर प्रदेश सरकार एवं क्षेत्रीय जनता के आँख में धूल झोंकना चाहते हैं और सच को झूठ साबित करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से क्या सही क्या गलत का आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। 22 करोड़ की लागत से बना पुल को ठेकेदार और DBL कंपनी वालों ने चूना लगा दिया। पुल पर दो दिन आवागमन हुआ और 27 मई 2021 को रात में पुल के बीच का स्लैब ध्वस्त हुआ। रोड कर्मचारी अपनी कमी छिपाना चाहते हैं, इसलिए कमी छिपाने के चक्कर में दिनांक 28 मई 2021 को क्षेत्रीय जनता वहां पर उपस्थित हुई। पूर्व प्रधान राजेश मिश्रा में जानकारी प्राप्त हुआ कि वास्तव में पुल टूटा हुआ है। अधिकारीगण अपने बचाव के लिए इसको झूठ का हवाला दे रहे हैं। उसका कहना है कि जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जाँच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय में इस पुल पर बड़ी घटना हो सकती है। बेलन बरौदा नदी का बड़ा पुल दो दिन आवागमन हुआ, पुल टूट गया। कर्मचारियों द्वारा टेस्टिंग का करके छुपाया जा रहा है। जिला मिर्जापुर से तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। तो मैं महोदय, मैं चाहूंगा, मैं पुनः अपने जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज प्रदेश सरकार तक जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक जाए, माननीय इस लोक निर्माण विभाग के मंत्री तक अगर मेरी आवाज अगर पहुंच जाए, तो मैं माननीय मंत्री जी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल जांच कराई जाए और ऐसी कार्यदायी संस्था को तत्काल ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। और ये चूंकि हम लोगों के जीवन का सवाल है, अगर ये तो भगवान की कृपा रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, इतने में ही यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है देख लिए इसको और हा हुल्ला हो गया। इस पे गाड़ियां रुकवा दी गई, हमारे चौकी इंचार्ज को जानकारी हुई, बरौंदा के चौकी इंचार्ज रणजीत श्रीवास्तव जी हैं, वो बेचारे आकर के तत्काल जो है लोहा वहाँ लगा करके रुकवा दिए। उधर कंपनी वालों को भी जब सूचना दी गई तो ले आकर के दोनों साइड में मिट्टी लगा दिए हैं। और देखिए पुल कितना घटिया स्तर से बना है कि अभी हल्की बारिश हो रही है, देखिए कितना पानी जमा हुआ है, पूरे पुल पे पानी जमा है, कहीं से भी पानी निकासी नहीं है। और मैं तो पूरे पुल का अभी मैं पैदल चल करके देखा हूँ कि कई जगहों पे इसमें छिद्र हो गया है जो घटिया सामग्री को उजागर करता है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी तत्काल जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। सर, हम ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो अभी अभी सूचना DBL कंपनी के द्वारा प्राप्त हो रही है कि इसको जो है हम लोग टेस्टिंग के लिए छोड़े हैं, अपने पुल तोड़ करके इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? किस प्रकार से टेस्टिंग किया जाता है? बोल रहे हैं कंपनी वाले, ये अपने आप को कभी गलत साबित नहीं होने देना चाह रहे हैं, ये फर्जी है। भगवान ने आग दिया है कि देखिए पुल का मतलब इस तरीके से अगर ये टेस्ट करते ये 20-20, 40-40 टन लाद करके जो ट्रकें चल रही हैं उनका ये जान लेना चाह रहे थे क्या हरामजादे लोग, हम कैसे इनको व्यक्त करें? इनके दिमाग, इनका दिमाग नहीं है क्या इनके पास? ये लोग घटिया जो है सामग्री लगाए हैं अपने आप को बचाने के लिए जो है ऐसा वक्तव्य लोग दे रहे हैं, जबकि सरासर गलत है। देखिए पुल का क्या स्थिति है, टेस्टिंग अगर पुल में टेस्टिंग किस आधार पर करते हो भाई? टेस्टिंग के लिए होता है तो कटिंग करके नाला में जाता है, इसमें सरकारी गाड़ी भी जा रही थी, इसमें प्राइवेट वाहन भी जा रहे थे, ये इस प्रकार से थोड़ी टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग का एक अलग तरीका होता होगा मेरे ख्याल से, ऐसा थोड़ी है कि कोई किसी का जान जोखिम में डाल करके किसी का जान ले लो तब आप टेस्टिंग पर पड़ा हो, ये गलत बात है। कंपनी वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर चूंकि इनकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इसको पूरा पुल, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे घटिया स्तर जिनका उजागर हुआ है तो इससे साबित होता है कि पूरा पुल बेकार है, पूरे पुल का पूरा निर्माण कराया जाए तब इनका जो है पेमेंट होना चाहिए और तब और इनके ऊपर कार्रवाई भी हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी घटना होने से भगवान की कृपा थी कि जो है ऐसी बड़ी घटना हुई नहीं जो कि हम लोग बचे, नहीं तो आने जाने में बहुत बड़ा हादसा होता। सर, हम आपका पर्ची जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं भी एक समाज सेवक हूँ और यहीं बगल में मेरा गाँव पड़ता है, बरौदा मार्केट आप देख ही रहे हैं, इसी बाजू में है मेरा गाँव, दिघुली पड़ता है। और मैं भी हमेशा समाज में घूमता रहता हूँ, समाज सेवक के रूप में हूँ। चलिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।